चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज तो आपको याद ही होगी, जिस फिल्म को 3 जून 2022 को रिलीज किया गया था। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस कदर फ्लॉप साबित हुई जिसको लेकर आज भी चर्चाएं की जाती हैं। खिलाड़ी अक्षय कुमार फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज की भूमिका में दिखाई देते और इस फिल्म में संजय दत्त और सोनू सूद ने उनका भरपूर साथ भी दिया। लेकिन सबके बावजूद ये फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और यशराज बैनर के तले बनी ये फिल्म 2022 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक मानी गई। लेकिन अब फिल्म के निर्माता यानी आदित्य चोपड़ा ने अक्षय कुमार पर कई सारे गंभीर इल्जामात लगाए हैं और फिल्म जब फ्लॉप हुई है तो इसका सारा ठिकरा उन्होंने उनके सर पर ही फोड़ दिया। फिल्म के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी पहले ही कह चुके थे कि मैंने अक्षय कुमार को लेकर नहीं बल्कि सनी देओल को लेकर इस फिल्म की कहानी को लिखा था, लेकिन बीच में कैसे अक्षय कुमार की एंट्री हो गई मुझे नहीं पता और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। अब इसी कड़ी में फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने भी अक्षय कुमार पर अपनी भड़ास निकाली है और अक्षय को लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई सारे बड़े खुलासे किए हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 20 दिनों में इस फिल्म ने करीब 69 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की है और लगभग 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के लिए 100 करोड़ कमाना भी मुश्किल भरा रहा। वहीं सामने आ रही रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के फ्लॉप होने का ठिकरा अक्षय कुमार के सिर पर फोड़ा जा रहा है। इतने नहीं, उन पर फिल्म की शूटिंग के दौरान लापरवाही तक बरतने के आरोप भी लगाए गए हैं। अब वह यू की नेशनल हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के खराब प्रदर्शन के चलते प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा काफी ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने फिल्म के फ्लॉप होने का पूरा जिम्मेदार अक्षय कुमार को ठहराया है। बताना चाहेंगे कि यशराज बैनर की यह दूसरी फिल्म फ्लॉप है। इससे पहले रणवीर सिंह स्टारर फिल्म जयेश भाई जोरदार ने भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया था, जिसके चलते इस फिल्म को भी लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा। कई सिनेमाघरों में जीरो ऑक्युपेंसी की वजह से फिल्म जयेश भाई जोरदार के शोज को कैंसिल भी किए गए और सम्राट पृथ्वीराज का भी यही असर हुआ। आदित्य चोपड़ा को लगा कि जयेश भाई जोरदार भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज को देखने के लिए दर्शक जरूर सिनेमाघरों की तरफ रुख करेंगे। लेकिन जब दर्शकों ने सम्राट पृथ्वीराज के रूप में अक्षय कुमार को देखे तो वो बिल्कुल भी नहीं जमे, जिसकी वजह से फिल्म को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यह फिल्म बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। तो वहीं दूसरी ओर फिल्म के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने भी अक्षय कुमार को लेकर कई सारे बड़े खुलासे किए। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए फिल्म के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि अक्षय कुछ सुनते ही नहीं थे, इस फिल्म को एकाग्रता की आवश्यकता थी। लेकिन फिल्म के लिए अक्षय ने असली मूंछ तक नहीं उगाई थी क्योंकि वो इस फिल्म के साथ दूसरे प्रोजेक्ट की शूटिंग भी कर रहे थे। आगे चंद्र प्रकाश द्विवेदी कहते हैं कि जब आप ऐतिहासिक रूप से अहम किरदार को निभा रहे हो तो क्यों अक्षय कुमार ने बस इसी एक प्रोजेक्ट को नहीं किया और इसी किरदार में अपना बेस्ट क्यों नहीं दिया। इतने नहीं, फिल्म के आर्किटेक्ट भी सम्राट पृथ्वीराज के फेलियर के लिए अक्षय कुमार को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसी के साथ निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने अक्षय कुमार के पान मसाला का विज्ञापन और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वाले बयान को भी लेकर फ्लॉप होने का जिम्मेदार ठहराया। यानी कुल मिलाकर अब फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा और फिल्म के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी अक्षय कुमार को जिम्मेदार ठहराए क्योंकि अक्षय की वजह से सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप साबित हुई। खैर जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन अक्षय का जलवा आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर बरकरार है। सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप हो जाने के बाद आने वाले समय में अक्षय कुमार तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। उन फिल्मों की तरफ डालें तो भी हालिया में उनकी फिल्म रक्षाबंधन का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिस ट्रेलर को देखने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्षय कुमार की बची लाज यह फिल्म बचा सकती है। साथ ही इस फिल्म का क्लैश आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ होगा क्योंकि दोनों ही फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों आप हमें बताएं कि सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने का कारण क्या है? क्या अक्षय कुमार ही इस फिल्म के फ्लॉप होने के जिम्मेदार है या फिर नहीं? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।